हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये चटपटा होता है और ये बहुत सबको पसंद आता है। तो ये एकदम कुरकुरा क्रिस्पी है स्प्रिंग रोल। तो चलिए अब बनाते हैं। नमस्कार, आपका वंदना गुप्ता 964 में आपका स्वागत है। अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखिए, ये सारे स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एक बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी मैंने लिया है, इसे लंबे लंबे में कट किया है। ये प्याज है 4-5 और ये 6-7 गाजर है, इस तरह लंबे लंबे में मैंने कट किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें यूज़ किया है। ये रेड चिली सॉस है, ये सोया सॉस है और ये हरी मिर्च आप तीखे के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने रेड चिली सॉस भी यूज़ किया है। स्प्रिंग रोल के लिए ये सारे स्टफिंग करेंगे और आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने लिया नहीं है। देखिए, अब हम स्टफिंग बनाने जा रहे हैं। हाई फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, ये हमारा 4 बड़ा चम्मच तेल रहेगा। यहाँ पे हम फॉर्च्यून तेल यूज किए हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखा था। देखिए, अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये डालेंगे। देखिए, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए, बस मुझे इसे हल्का सा सौते करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए, इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें गाजर डालेंगे, इसे भी हल्का सा सौते करना है। इसे भी हम 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। देखिए, ये आप अलग से आप चाहे तो शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च ऐड किया है। ये 1 मिनट तक सौते हो चुका है, अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। देखिए, 1 छोटा चम्मच हम काली मिर्च डाल दे रहे हैं इसमें। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। जो कि देखिए, इतना बारीक पतला पतला कट करके मैंने रखा है। देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, ना ही सॉटे करना है। अब हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस हम इसमें अब डालने वाले हैं। देखिए, ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस है, ये 1 चम्मच सोया सॉस है और 1 चम्मच आप चाहें तो विनेगर डाल सकते हैं या फिर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब हम स्टफिंग करेंगे तब हम इसमें नमक डाल के स्टफिंग कर लेंगे। अगर पहले ही अगर हम नमक डाल देते हैं तो इसमें पानी छोड़ देगा, तो स्टफिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम अभी नमक नहीं डालेंगे। अब यह हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, अब हम इसे
इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैदा लिए हैं जो 250 ग्राम है, और इसके लिए कॉर्नफ्लावर हम लेंगे 1/4, जो कि ये है, ये इसका 1/4 है। इसमें हम डाल देंगे, ठीक, और फिर इसमें नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच। एक छोटा चम्मच नमक डाल दिए, और अब हम इसमें 3 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। दो चम्मच हो गए, ये तीसरा छोटा चम्मच हो गया। ये रिफाइंड ऑयल हम इसमें यूज किए हैं। अब इसे हम अच्छे से गूथ लेंगे। इसको गूथने के लिए पानी लगाएंगे, आवश्यकता अनुसार। एक नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे का आटा लोइया तैयार करते हैं, वैसे ही हम लोइया तैयार करेंगे इसका भी। देखिए, अब हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से इस तरीके से गूथेंगे। देखिए, ये नॉर्मल सॉफ्ट आटे की तरह, जितने आप रोटियां बनाती हैं या पराठे के लिए आप बनाते हैं नॉर्मल, वैसा हम इसे गूथेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से गूंथ गया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे इसे। अभी हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, ये 20 मिनट हो चुका है। अब हम इसे देखते हैं कैसा हुआ है। देखिए, आटा पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए, अब हम इसके छोटे छोटे लोइया बनाएंगे। ऐसे ही मैंने सबको लोइया काट लिए है। अब चल, देखिए, अब हम बनाएंगे इसे। अब इस पहले हम इसे बेलते हैं। ज्यादा हम बड़ा बेलेंगे नहीं। अब इसमें सूखी मैदा भी यूज करेंगे हल्का हल्का, क्योंकि अच्छे से बेला नहीं पाता है। देखिए, हमने इसे ज्यादा बड़ा बेला नहीं है। इसको अब हम रख देंगे एक और इतना ही साइज का, एक और बेल लेते हैं। ये देखिए, और हमने इस तरीके से दो पूरी बेल लिया है छोटा छोटा साइज। ये देखिए, एक ये, अब एक के ऊपर एक रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड तेल लगा देंगे अच्छे से। रिफाइंड तेल मैंने यूज किया है। देखिए, पूरा अच्छे से तेल लगाने के बाद अब इसके ऊपर एक ये दूसरी रख देंगे। देखिए, हमने दो एक के ऊपर चिपका दिया है। ये वन साइड ही, बीच में ही हम तेल लगाएंगे, और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो अब इसमें सूखा मैदा हम ले लेते हैं ताकि अच्छे से बेला जा सके।
आप इसका सिर्फ कितना भी बड़ा दे सकते हैं, आप उस हिसाब से लोइया ले सकते हैं। देखिए मैंने इसे बेल के रेडी कर लिया है और अब हम इसे तवे पे रख देते हैं। ये हल्का सा सिक जाने के बाद और अब हम इसे पलट देंगे। लगे कि ये अब हल्का सा सिक चुका है तो अब हम इसे पलटेंगे। देखिए देखिए अब ये अच्छा सा सिक चुका है। अब हम इसे चाकू की सहायता से अलग करेंगे। देखिए ये कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट हुआ है, हाथ पे लेने पे उंगलियां भी दिख रही हैं। ऐसे ही सब हम सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे घोल बनाएंगे। ये मैदा है 2 बड़ा चम्मच और जो स्प्रिंग रोल को फिल करेंगे तो उसको चिपकाने के लिए हम ये मैदे का घोल बनाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गोंद की तरह ही इसे यूज किया जाएगा। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए ये हम घोल तैयार कर लिए हैं, अब फिलअप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम नमक मिला दिए हैं। अब हम स्टफिंग के लिए, अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स मैंने अब स्प्रिंग रोल के जो पेपर है वो मैंने ले लिए हैं। अब हम इस पे स्टफिंग करेंगे। देखिए अब हम इसे स्टफिंग करेंगे। जो मैंने घोल तैयार किए थे उसे लगाएंगे। ये देखिए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए इधर से इसको फोल्ड करके फिर इधर से इसको फोल्ड करेंगे, इसमें मैदे लगाएंगे। आप अपने अनुसार जो आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने इस तरह से ऐसा शेप दिया है, आपको जैसा पसंद हो आप अपने अनुसार शेप दे सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम सबको बना लेते हैं। आप एक और तरीके से ऐसे रोल कर सकते हैं। देखिए लंबे में
देखिए ये रोल एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए सारे स्प्रिंग रोल मैंने इस तरीके से तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे तलेंगे। देखिए रिफाइंड तेल यहाँ पे हम यूज किए हैं और ये हाई फ्लेम पे है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तलेंगे। देखिए देखिए इसे अच्छे से हम तल देंगे। इसे ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन। अब ये हल्का ब्राउन हो चुका है और अब हम इसे निकालेंगे और ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। देखिए ये अच्छे से अब रेडी हो चुका है गरम गरम सर्व करने के लिए। ऐसे ही हम सारा जो स्टफिंग किए हैं उसे तल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बनकर रेडी हो चुका है, कितना कुरकुरा क्रिस्पी बना है ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बना है। आप इसे घर पे जरूर एक बार ट्राई करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट जरूर करें। ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।